माइंड अमलेश कुमार मल असिस्टेंट डायरेक्टर समुदाय कोचिंग सेंटर कांटी मुजफ्फरपुर। वर्ष 2022 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम छात्र छात्राओं की शुभकामना। अभी मैं आपके सामने गणित विषय में जो भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1.5% ECGSE क्वेश्चन से पूछा जाएगा। और अभी आपके सामने दो क्वेश्चन हम बताएंगे जो रचना से संबंधित होते हैं और ग्राफ से संबंधित होते हैं। आपको ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि x+3y = 6, 2x - 3y = 12, इसको आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। और दूसरा क्वेश्चन है 5x - y - 5 = 0 और 3x - y - 2 = 0। ये दोनों क्वेश्चन आपको ग्राफ में पूछा जा सकता है और एक क्वेश्चन निश्चित रूप से ग्राफ का रहता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं रचना में, तो रचना से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने प्रत्येक वर्ष ये पूछा जाता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री का कोण पर झुकी हो। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको प्रथम पाली में यदि पूछा जाएगा तो सेकंड पाली में भी यही क्वेश्चन रहेगा, केवल आपको अंक चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पर 5 है तो आपको 4.2 कर सकता है, 4.6 कर सकता है। यदि कंटेक्शन में ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो आगे आपके सामने 2 नंबर और 3 और 4 नंबर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से निवेदन है, आप अपना समय ज्ञान करते हुए जल्द से जल्द आप इन प्रश्नों को निश्चित रूप से पूछेंगे। मैं अगला वीडियो और अगला दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपके सामने धन्यवाद।